तो हेलो, मेरा नाम है यतिन और हम शुरू कर रहे हैं नॉइज टॉल्क। प्लीज़ सब वॉइस क्वालिटी को अवॉइड करना क्योंकि ये धीरे धीरे सुधर रही है। तो क्या आपको पता है कि ये रेलवे स्टेशन, सेंट्रल जंक्शन या टर्मिनल्स में क्या फ़र्क होता है? पहले बात कर लेते हैं रेलवे जंक्शन की। जहाँ कम से कम तीन या तीन से ज़्यादा ट्रेन लाइन जा रही हों उसे हम रेलवे जंक्शन कहेंगे। यानी कि वहाँ एक टाइम पे दो ट्रेन आ भी सकती हैं और दो ट्रेन कम से कम जा भी सकती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गोरखपुर जंक्शन या लखनऊ जंक्शन। अब ये सेंट्रल क्या होता है? बेसिकली जो शहर का सबसे पुराना, सबसे व्यस्त स्टेशन है उसको सेंट्रल बोलते हैं। जैसे कि कानपुर सेंट्रल या चेन्नई सेंट्रल, जो कि सबसे महत्वपूर्ण, मान लो सबसे महत्वपूर्ण हो, सबसे व्यस्त। अब ये स्टेशन क्या है? जहाँ पर ट्रेन आती है और यात्रियों और सामानों के लिए काफ़ी देर रुकती है उसे स्टेशन कहते हैं। अब इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टेशंस ही हैं। और अब आखिर में ये टर्मिनल्स क्या होता है? टर्मिनल या टर्मिनल्स एक ही बात। तो ये वो स्टेशन होता है जहाँ पर रेलवे ट्रैक ख़त्म हो जाता है, यानी ये आखिरी स्टेशन होता है। और टर्मिनल्स पर पहुंचने के बाद ट्रेन को वापस लौटना पड़ता है, जैसे कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स या हावड़ा टर्मिनल्स। अगर आपको ये नॉलेज पसंद आई तो लाइक कर दो और ऐसे ही नॉलेज टॉप चाहिए।